चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबरें। श्री विजयकरण आनंद बने पुनः महानिदेशक बेसिक शिक्षा। निदेशक मानदेय 17,000 केस में जगी एक नई उम्मीद। मई माह का मानदेय अप्रैल एरियर के साथ आदेश तैयार, आ सकता है इसी हफ्ते। दर्द भरी कहानी अन्वेषकों की जुबानी। आर्थिक संकट से जूझ रहे अन्वेषकों ने लगाई मुख्यमंत्री से मदद की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्वेषक न्यूज में। साथ ही यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बेसिक शिक्षा विभाग से पुनः महानिदेशक बेसिक शिक्षा बनाया गया है। श्री विजयकरण आनंद के लिए पुनः महानिदेशक के पद पर आसीन होंगे श्री विजयकरण आनंद जी। इसी के साथ एक बड़ी खबर अन्वेषकों से संबंधित आ रही है। अन्वेषकों के लिए खुशखबरी हो सकती है, तैयारियां लगातार जारी हैं, सारे लीडर्स से मिलना लगातार जारी है अन्वेषकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं 11 जुलाई जो डेट लगी हुई है मानदेय 17,000 कोर्ट केस हाई कोर्ट ने, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि उस डेट पर निर्णय हो और मानदेय 17,000 हम सभी अन्वेषकों को मिले, सरकार अपना केस वापस ले। इसके लिए लगातार सभी लीडर्स प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे अग्रणी पंक्ति में जो कार्य कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं विक्रम सिंह जी हैं। और इस हाल ही में वो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से मिले और उन्होंने फरियाद की अन्वेषकों के भविष्य सुरक्षित कराने के लिए। साथियों, उम्मीद जताई जा रही है इस शिष्टाचार मुलाकात से कुछ हल अवश्य निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से ही डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी अन्वेषकों के हक के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, तो माना जा सकता है 11 जुलाई एक नई खुशी लेकर आएगी अन्वेषकों के लिए। आगे के समाचार में अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो अन्वेषकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तान स्वयं व्यक्त की है, किस तरीके की वो जिंदगी जी रहे हैं 7,000 रुपये के अल्प मानदेय में, कैसे दुश्वारियाँ हैं, क्या समस्याएँ हैं, किस अभाव में वो अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है, देखते हैं ये वीडियो। मैं राजेश कुमार विश्वकर्मा, कला अन्वेषक शिक्षक, जनपद श्रावस्ती। सर, हमारा गृह ब्लॉक इकौना है और हमारी पोस्टिंग जो है वो सिरसिया ब्लॉक में है। हमारे घर से विद्यालय की दूरी जो है 32 किमी है, 32 जाना पड़ता है, 32 रेगुलर आना पड़ता है। और जबकि जनपद श्रावस्ती के बीचों बीच में एक राप्ती नदी पड़ती है, जो कि बारिश के समय में बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती आने जाने में, हम लोगों को और ज़्यादा लंबी दूरी तय करना पड़ जाता है। सर, हम लोग 2013 से पोस्ट हुए हैं, तब से 7,000 मानदेय पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का माहौल ऐसा हो गया है कि अब जीवन में बड़ी समस्याएं और बड़ी कठिनाइयां झेलने पड़ रही हैं। हम अपने संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके वो सबसे पहले हम लोगों का स्थानांतरण करवाने की कृपा करें, क्योंकि ये जो 233 रुपये एक दिन का जो मजदूरी हम लोगों का है, वो पेट्रोल डाल करके विद्यालय जा करके फिर वापस आने में चला जाता है। अरे, कभी कभी सर इतना तकलीफ होता है अपने इस मानव शरीर पर कि काश हम लोगों का जो है जीवन ही समाप्त हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी ज़िंदगी से क्या मतलब है सर, कि अपने लिए कुछ ना कर पाओ, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पाओ, अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाओ। बस वही है कि जितना मिलता है वो जा करके पेट्रोल डाल करके वो फिर विद्यालय घूम के चले। क्या खाली पेट कोई काम किया जा सकता है सर? ऐसी ज़िंदगी है सर। देख लीजिए मेरा निवास स्थान जो है कि हम 9 साल से सर्विस कर रहे हैं, और ऐसा है कि 9 साल में हम टीना नहीं रखा पाए सर। पॉलीथीन लगा करके हर ब्रश जो है नया नया पॉलीथीन लगा देते हैं और इसी में अपना जीवन काट रहे हैं। सरकार हम लोगों के प्रति काफ़ी कुछ जो है निराशाजनक सोच रही है, क्योंकि हम लोगों का जो है अब नियमितीकरण ही बचा है और नियमितीकरण ही होना चाहिए, क्योंकि अन्वेषक में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 40 से उस पार ना जा चुका हो, शायद कोई होगा। तो अब अगर मानदेय की बात की जाए तो फिलहाल के लिए जब तक हाई कोर्ट का जो है 17,000 का मानदेय का मैटर चल रहा है, फिलहाल के लिए सरकार वो दे जब तक नियमितीकरण नहीं कर पा रही, और फिलहाल नियमितीकरण ही सख्त ज़रूरी है। और एक डिबेट जो हम लोगों का चल रहा है श्री सुकुमार जी वाला, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, डॉक्टर कौशिक जी को, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को, डॉक्टर ए पी सिंह जी को,
हम प्रणाम करते हैं कि आज उन लोगों के माध्यम से ही, चाहे सदन में हो चाहे नेता मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं राजेश कुमार जो है कला निदेशक शिक्षक जनपद श्रावस्ती से हूँ। सर ये हम निदेशक हैं, 9 वर्षों से जो है निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। एक बार हमारे घर की तरफ आप नज़र डालेंगे तो ये स्थिति हम लोगों की है घर की, सर की जो है छप्पर के अलावा आज तक हम लोग टीना नहीं रखा पा रहे हैं, ये स्थिति है। अभी ये जो हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे ये चूल्हा रखा हुआ है, ये जो खाना बनने वाला है इस पर हम लोग खाना बना के खाते हैं। स्थिति काफ़ी गंभीर है सर, ये परिस्थितियाँ आए दिन जो है हम लोगों का फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रही है। पॉलीथीन लगाए हुए हैं सर, अब यही होगा कि स्थिति आप बाकायदा देखेंगे, ये हम लोगों का जो है पॉलीथीन रखा हुआ है, पॉलीथीन से छाया गया घर। और इधर प्लस ये जो है आप देखेंगे, ये हमारी वाइफ जी हैं जो ये भी संघर्षमयी है, क्या कर सकते हैं, कैसे भी जीवन यापन करना है। मेरा छोटा वाला बेटा है, एक बेटा ये मेरा है, ये 2 बेटे हमारे पास हैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी भी हैं। काफ़ी मतलब माता जी का बीमार इलाज भी चल रहा है, तो स्थिति गंभीर है। इसलिए मैं माननीय श्री सुकुमार जी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि हम लोगों को जो है तत्काल जो है सरकार से नियमित करने की कृपा कराएँ। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के विक्रम सिंह जी है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुदेशकों के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया इस जून महीने या जुलाई के प्रथम सप्ताह में जरूर करवा दें, ताकि जो 233 रुपया मानदेय दिन का हम लोगों का मिलता है सर, वो राप्ती नदी को हम लोग क्रॉस करके जाते हैं तो 32 किलोमीटर जा करके और फिर वापस आना पड़ जाता है, इसी में सारा मानदेय समाप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति है सर कि हम लोग जब कोई शादी हो या कोई फंक्शन होता है तो उसमें नए कपड़े नहीं ले पाते हैं, अरे रोना पड़ जाता है, कभी कभी वाइफ जो है रोने लगती है, कभी बच्चे रोने लगते हैं, मैं स्वयं रोने लगता हूँ। ये स्थिति हम लोगों की है कि जब कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है तो उसमें भी हम लोग जैसे आम ज़िंदगी जी रहे हैं सेम ऐसे उसमें भी जीना पड़ता है। आप स्वयं एहसास करेंगे कि 233 रुपये में 200 रुपया पेट्रोल में खर्च हो जाता है, 33 रुपये अचानक कोई घर में बीमार हो जाता है तो सर हम लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, वो भी कर्जा आज के ज़माने में कोई देने वाला नहीं, कभी ब्याज लेता है, कभी कुछ भी, कभी 2 बीघा खेत है सर उसको गिरवी रखना पड़ जाता है, तब लोग ब्याज देते हैं, वरना कोई ब्याज भी पैसा नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे बीजेपी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, श्री सुमार जी से हम कहना चाहेंगे कि वो उनसे जो है तत्काल बात करें और नियमित कराने की कृपा जरूर करें, क्योंकि अनुदेशक ऐसे भी हैं सर जिनका उम्र जो है 40 से ऊपर जा चुका है, उनका फ्यूचर समझ लीजिए समाप्त होने वाला है। और अगर सरकार मानदेय बढ़ाती तो उससे कोई मतलब नहीं है सर, आप सिर्फ नियमितीकरण होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, और जब तक नियमितीकरण नहीं हो पा रहा तब तक हम लोगों का जून या जुलाई के। तो साथियों देखा किस तरीके से अनुदेशक फरियाद कर रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए, काश ईश्वर तक आवाज़ पहुँच जाए और सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि अनुदेशक नियमितीकरण हो सके। मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।